रामपुर नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय परिसर में शुक्रवार 3 जनवरी 2023 को नगर पालिका परिषद के खिलाफ दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी के प्रांतीय महासचिव सत्यप्रिय सक्सेना के नेतृत्व में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नगर पालिका द्वारा दी गई 13 दुकानों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की। सत्यप्रिय सक्सेना और धरने पर बैठने वालों का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत नगर पालिका परिषद की 13 दुकानों की छतों को आवंटन किया गया, वह आवंटन रद्द किया जाए और शिवाजी पार्क की जमीन को षड्यंत्र के तहत खुदाई की गई और अवैधानिक तरीके से रास्ता दिया गया। उनकी मांग है कि उसको रद्द किया जाए तथा शिवाजी पार्क की सुंदरता को पूर्व की तरह बनाए रखा जाए। इस दौरान चेयरमैन और यो का भी विरोध किया गया। दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी के बैनर व पेपर पर चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी को गिरफ्तार करो लिख कर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञात हो कि 14 जनवरी 2023 से पालिका की 13 दुकानों के छतों का आवंटन व शिवाजी पार्क में खुदाई और निर्माण को लेकर मीडिया की सुर्खियों में मामला छाया हुआ है। जिलाधिकारी ने मेरठ से प्रकाशित दैनिक अखबार में दुकानों के निर्माण के चलते शिवाजी पार्क का बदहाल हुआ है, जो शीर्षक से छपी खबर पर एक्शन लिया। तत्काल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी जांच उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह धामपुर कर रहे हैं। तनवीर राणा की रिपोर्ट। देखिए, मैं सत्यप्रिया दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से, आज हमारा उपजिलाधिकारी धामपुर के यहाँ धरना था। धरना धामपुर नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन साहब ने 10 जनवरी को चेयरमैन का इनका नगर पालिका का कार्यकाल खत्म होता है और दोनों ने मिलकर पार्क की जमीन बेच दी, दुकानों की छतों का आवंटन कर दिया बिना मानक पूरे किए, बिना कोई वैध कार्रवाई की। हमारा प्रश्न ये है, चलिए दुकानों की छतों का आवंटन हो सकता है, पार्क की जमीन कैसे बेची जा सकती, बेच दी पार्क की जमीन व्यावसायिक कार्यों के लिए, बेच ही नहीं सकते। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के को ज्ञापन भेजा है कि इसकी मामले की जांच कराई जाए, पार्क की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया है, पिलर्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ उसको तुरंत ध्वस्त किया जाए और इस मामले की पूरी जाँच कराई जाए कि किस तरीके से बेच दी जमीन इन लोगों ने, बिना किसी नियमों के, बिना किसी आधार के पार्क की जमीन। इसी संदर्भ में हमारा धरना और ज्ञापन। धन्यवाद।